नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चार विधायकों की सेनमारी कर ली और वो भी उस पार्टी में जो नई नई पार्टी बिहार में आई थी और बड़े जोर शोर से बिहार की सियासत शुरू कर रही थी और उसके पहले ही उसकी सियासत खत्म हो गई। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की नजर कहां है तो कई लोगों का मानना है कि जीतन अमांझी पर नजर है, लेकिन हमारा क्या मानना है हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा बताएंगे। सर, कई लोगों का मानना है कि जीतन अमांझी के विधायकों पर नजर है, आपको क्या लगता है? नहीं, जीतन अम्बाजी के विधायकों के बिना सरकार तो नहीं ही बनेगी, लेकिन इमीडिएटली खबर ये आ रही है सियासी गलियारों से कि अभी माने मांझी जी के विधायकों को छोड़कर जो तेजस्वी यादव है उनका नजर किसी और पार्टी के विधायक पर चला गया है। आपको याद होगा जिस वक्त ये टूटफूट हुई थी, चार विधायक आए थे, तो ओवैसी ने कोई बयान नहीं दिया था जी। उनकी पार्टी की तरफ से उनके प्रदेश जो अध्यक्ष हैं और जो उनके विधायक भी एकमात्र बचे हुए हैं अख्तर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तेजस्वी यादव भी ये बात चाहते थे कि उनके माथे पर ना आए। देखिए, बार बार तेजस्वी यादव का ये कहना कि भाई हमने सेनमारी नहीं की है, वो खुद से आए हैं, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि तेजस्वी ये भी इल्जाम नहीं चाहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों की एक पार्टी में सेनमारी कर दी। ये आरोप अब तो लग रहा है, क्योंकि ये आरोप लग रहा है सर, ये भी आरोप लग गया ना कि अब आप मुसलमानों की पार्टी को कमजोर अल्पसंख्यकों की पार्टी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा की भी टीम है। अब तक जो ओवैसी पर आरोप लगा रहे थे वो बात और आरोप ओवैसी लगा सकते हैं तेजस्वी यादव पर। हालांकि पर्दे के पीछे यही बात चल रही है कि नीतीश कुमार भी इसके पीछे हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मतलब तेजस्वी उस स्थिति में आ जाए कि भाजपा से वो मजबूत रहे, ताकि भाजपा को इस बात का डर हमेशा रहे कि नीतीश के लिए एक बहुत अच्छी कुर्सी, बहुत अच्छा गाड़ी व्यवस्था है, भाजपा को नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भाजपा को लगता रहे। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि सरकार बनाने के आंकड़े से तेजस्वी यादव का जो कुनबा है वो बहुत कम मार्जिन से अब दूर रह गया है। ऐसे में विधायकों की आवश्यकता पड़ रही है। सब लोग खोज रहे हैं कि विधायक कहां से जुगाड़ होंगे। अक्सर ये चर्चा सुनने में मिल रही है कि जदयू के कुछ विधायकों पर तेजस्वी यादव की नजर है और उन विधायकों को तोड़कर उधर ला सकते हैं। मांझी जी के चार विधायकों पर हमें कहा जाता है कि उनको ऑफर जा चुका है, उनको ऑफर जा चुका है कि मांझी जी के साथ साथ, क्योंकि मांझी जी के भी खुद भी विधायक हैं, उनके साथ साथ वो ऑफर मिला है कि आप साथ ही साथ आ जाइए और हम बाकी तीन विधायकों की और व्यवस्था करते हैं जी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो हाल ही में एमएलसी चुनाव हुए थे उसमें इनकी पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से उनके जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे कारी सोहेब, वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। उन्होंने दावा कर दिया है कि अख्तरुल इमाम, जो कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में जब वोटिंग होगी तो वो हमारे पक्ष में वोट करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में अखिलेतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राजद से बढ़िया विकल्प नहीं है। और हम खुद उन्होंने अपना प्रतीक दिया कि भाई मैं खुद इस पार्टी में इतने दिनों से हूँ, आप देखिए मुझे क्या नहीं मिला, मैंने जो मांगा उससे कहीं ज्यादा मिला। एमएलसी बनाया गया, पार्टी ने टिकट देने दी और हर तरीके का जो कह सकता है कि संरक्षण मुझे पार्टी की तरफ से प्राप्त है। और अब ये जो विधायक आए हैं ओवैसी की तरफ से, इन्हें भी वही सब प्राप्त हो रहा है और इन पर अब कोई दबाव नहीं डाल सकता है, भाजपा के लोग इन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ये एक बड़ी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं और अख्तरुल इमाम भी हमारे साथ बहुत जल्दी आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने मुहर लगा दी है जी। तो लगातार ये चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव विधायकों का जुगाड़ कहां से करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों पर उनकी नजर है, बाकी बचे हुए जो विधायक हैं उन पर नजर है। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा लगातार चल रही है। हालांकि देखना यह होगा कि तेजस्वी के इस दावों के बाद और आज से उन्होंने जो सदस्यता अभियान की शुरुआत की है उससे क्या फर्क पड़ता है और किस तरीके से पार्टी मजबूती प्रदान करते हैं वो पार्टी को सदस्यता अभियान चलाकर। फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।